हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात के लिए सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक कैसे क्लासिफाइड होते हैं? कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इनको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दीज द टू टाइप्स ऑफ, क्योंकि कार्बन के अंदर एक संकलन का गुण पाया जाता है, उस कार्बन के संकलन के गुण के कारण इसके अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से निरंतर श्रृंखलाओं में जुड़ता रहता है। ये श्रृंखला दो प्रकार की हो सकती है, जैसे एक दोनों छोर खुले हो उसे हम कहते हैं खुली श्रृंखला वाली खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चैन कंपाउंड। एंड दूसरा, यदि ये कार्बन के सिरे आपस में जुड़कर एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि इनकी श्रृंखला क्या होगी? बंद श्रृंखला वाले यौगिक, यानी इनको बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले। इसके अंदर श्रृंखला है, दोनों छोर खुले हैं और इसके अंदर ये दोनों छोर बंद होने के कारण एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें हम चक्र या साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, चक्रीय। जबकि इसके अंदर कोई चक्र का निर्माण नहीं होने के कारण एब्सेंट होता है तो इसको लिए अचक्रीय या एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये टू टाइप्स में इसके दो नाम हो गए, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, असाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड। तीसरा नाम इन यौगिकों को एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक यौगिक, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एनिमल फैट के समान होती है। यहां पर ये एली का मतलब होता है एनिमल और ये फैट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है फैट। जानवर की चर्बी के समान गुण होने के कारण इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर, ये टू टाइप्स में मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होगी। इसके अलावा ये इनको आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक के अंदर क्या है, एकल बंद पाया जाता है, सिंगल बंद, इसलिए हमें इसमें सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक जो भी आते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं हल्के, और असंतृप्त वाले में आते हैं आपके पास में जो जनरली आपने 11th क्लास में पढ़े, जिसके अंदर द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास में एल्कीन, एल्काइन, डाइन जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्किनाइन भी होता है जिसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित। और इधर यदि हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड को, साइक्लिक कंपाउंड को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं समचक्रीय यौगिक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा आता है विषम चक्रीय यौगिक, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। समचक्रीय यौगिकों में क्या होता है, इसके अंदर जो वलय का निर्माण होता है केवल और केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा ही वलय का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। और विषम के अंदर, यानी कि उस वलय के निर्माण में कार्बन के अलावा एक विषम परमाणु, जो कोई भी हो सकता है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, वो आएगा तो उसे हम बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हम देते हैं पिरिडीन आता है, मैं आपको पिरिडीन कॉमन एग्जाम्पल है। पिरिडीन ऑक्सीडेंट
होमोसाइक्लिक के अंदर इसको आगे फर्दर टू डैश में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड आया बट वापस एली, इसका मतलब यहां पर यह है कि ये जो कंपाउंड होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज होती है एलिफेटिक यौगिकों के समान होने के कारण इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इनके गुणधर्म ये होते हैं साइक्लिक यौगिक, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है एलिफेटिक यौगिकों के समान होने के कारण हम इनको क्या बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें फिर फर्दर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, साइक्लो एल्के, साइक्लो एल्कीन वगैरह। जबकि एरोमेटिक के अंदर विशिष्ट गंध का लक्षण पाया जाता है, इसके बेस्ट एग्जांपल जो है सबसे फर्स्ट नंबर है बेंजीन। तो ये इस प्रकार से पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा हमने क्लासिफाइड किया है, कोली चैन वाले यौगिक, बंद चैन वाले यौगिक, चक्रीय अचक्रीय यौगिक, उनको आगे पूरा फर्दर पूरा क्लासिफिकेशन हमने यहाँ किया है। थैंक यू। इसके अलावा भी हाइड्रोजन, सल्फर, हैलोजन वगैरह अन्य परमाणु भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिला होता है, इस वजह से इन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक की बात करें ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्य प्रकार से दो प्रकार को इनमें दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा है बंद श्रृंखला वाले यौगिक जिन्हें हम बंद क्लोज चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ये कार्बन के संकलन के गुण के कारण इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। कार्बन में संकलन का गुण होता है जैसा कि आप जानते ही हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था पूरा तो 11th क्लास में। संकलन का गुण का मतलब कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक कार्बन दूसरे अन्य कार्बन से कंटिन्यू जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, ये संकलन का गुण कहलाता है कैटेनेशन। ये श्रृंखला जुड़कर काफी लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इसी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यदि कार्बन श्रृंखला यदि जुड़कर दोनों सिरे जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार से मैंने ये बनाया, ये साइक्लोप्रोपेन है, तो ये एक चक्र का निर्माण कर रहा है। कार्बन के तीन परमाणु इसमें पार्टिसिपेट किए, तो इसे हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, चक्रीय यौगिक, क्योंकि ये क्या है, चक्र एक साइकिल का निर्माण कर रहे हैं, चक्रीय यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जबकि खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की यदि बात करें तो जैसे CH2, CH3 प्रोपेन बनता है। प्रोपेन के अंदर ये इसके दोनों सिरे ये और ये दोनों कार्बन खुले हैं, किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़े हुए होने के कारण ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, ये किसी प्रकार का चक्र नहीं बना रहे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये अचक्रीय यौगिक है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम एक एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड इसे इसलिए कहते हैं, एलिफेटिक दो वर्ड से बना है, जो एक वर्ड है एली जिसका मतलब होता है एनिमल, जंतु, और दूसरा है फैट, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी एनिमल की फैट यानी कि चर्बी के समान होने के कारण इन्हें हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। एलिफेटिक यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो गुण होते हैं गुणधर्म या दिखने में इनकी संरचना जैसी होती है एनिमल, जंतुओं की चर्बी के समान होने के कारण इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इन एलिफेटिक कंपाउंड या फिर अचक्रिय एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक, और दूसरा है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त सैचुरेटेड कार्बन और ये अनसैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड का मतलब है संतृप्तता, इसमें कार्बन के अंदर जो बंद है वो सैचुरेटेड संतृप्त होता है। जैसे कि यानी कि सिंथी से सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इनमें एकल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, तो इसका मुख्य एग्जांपल एल्केन है। असंतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा, इस वजह से इसके एग्जांपल जो हमारे पास है वो है एल्कीन, एल्काइन, डाइंस यानी कि जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड, दो द्विबंध उपस्थित हो उन्हें हम डाइंस कहते हैं। और चौथा एग्जांपल एल्कीनाइंस, एल्कीनाइन के अंदर आप देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में पाया जाता है, इसलिए हम इसे एल्कीनाइन कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आते हैं आपके ओपन चेन कंपाउंड यानी कि अचक्रीय यौगिकों के अंतर्गत।
अब यदि दूसरी तरफ की हम बात करें, यदि दूसरी तरफ की हम बात करें चक्री यौगिकों की बात करें, चक्री यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया गया, समचक्री और विषम चक्रीय। समचक्रीय क्या होता, नाम से ही मालूम चल रहा है, दो इसको यदि नाम को आप बांटेंगे होमोसाइक्लिक समचक्रीय। ऐसे चक्रीय यौगिक जिसके अंदर जो वलय का निर्माण है केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है तो हम उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक या समचक्रीय। और यदि उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु उसमें ऐड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। जैसे कि हमने साइक्लोप्रोपेन है वो एग्जाम्पल है समचक्री का, लेकिन विषम चक्री का एग्जाम्पल यदि हम बात करना चाहें तो विषम चक्री का एग्जाम्पल हो जाएगा ये ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड, प्रीडीन। प्रीडीन का एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, ये प्रीडीन है जिसके अंदर बेंजीन के अंदर बेंजीन के एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो ये प्रीडीन हो जाता है, जिसका प्रीडीन, फ्यूरेन, ये सारे एग्जाम्पल है विषम चक्री के। और सम चक्री के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे एग्जाम्पल्स है समचक्री के। बेंजीन भी इसी में से आता है, जैसे बेंजीन ने डीबानी बना दिए तो बेंजीन भी किसका आता है समचक्री का एग्जाम्पल से, तो समचक्री के एग्जाम्पल में बेंजीन हो गया। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर वापस दो भागों में विभक्त किया गया है इसको समचक्री को, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब यहाँ पर ये है, क्या एलिसाइक्लिक नाम से ही मालूम चल रहा है एली, यहाँ पर एली का मतलब ये है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड या ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके गुणधर्म किसके समान हो, एलिफैटिक यौगिकों के समान हो, उन्हें हम कह रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इनके यानी कि नाम से ही है, इनके सारे गुणधर्म एलिफैटिक यौगिकों के समान है, यानी कि खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के समान होने के कारण इन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। एंड इसकी का दूसरा पार्ट से यदि बात करें, दूसरा पार्ट में एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है, हमने पहले 11th क्लास में पढ़ रखा है, जिसमें विशिष्ट गंध पाई जाती है, विशिष्ट गंध जिसमें पाई जाती है उन्हें एरोमेटिक। एरोमा का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑर्डर, विशिष्ट गंध। इसका मुख्य एग्जाम्पल या इसका फर्स्ट सदस्य है बेंजीन, और यह हकल के नियम का पालन करता है। हकल का नियम हमने 12th चैप्टर में पिछले लास्ट टाइम भी पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता, उसके लिए वही एरोमेटिक वो यौगिक है जो हकल के नियम का किसी भी कंडीशन में पालन करते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास में बेंजीन है, फिनॉल है, जैसे ये मैंने बनाया आपको फिनॉल का एग्जाम्पल दिया, OH लगा होगा तो ये क्या होगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बेंजीन है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये पूरे कार्बनिक यौगिकों का अपने पास में पूरा बायफर्गेशन है कि किस प्रकार से। अपन इस 12th क्लास के अंदर हमको पढ़ना है सैचुरेटेड कार्बन के अंदर ही हमको सारे जितने भी क्रियात्मक समूह वगैरह हैं इनको डिटेल में पढ़ना है। विषम चक्रीय यौगिक अपने सिलेबस में नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने हैं पूरे, एलिसाइक्लिक पढ़ने हैं, तो ये सारे के सारे